रचना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। गूगल ने पिछले साल अपना पेमेंट ऐप गूगल टेज लॉन्च किया था। 28 अगस्त को हुई अपना सालाना इवेंट में गूगल ने अपने पेमेंट ऐप तेज का नाम बदलकर गूगल पे कर दिया है। ये ऐप यूजर्स को अपना बैंक अकाउंट लिंक करने और UPI का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट्स करने की सहूलियत देता है। गूगल अब गूगल पे के यूजर्स के लिए आकर्षक रिवॉर्ड स्कीम लेकर आया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अगर उपभोक्ता गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो 1,00,000 रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए करने होंगे कम से कम 5 ट्रांजैक्शन। इतना इनाम जीतने के लिए यूजर्स को 18 सितंबर सुबह 9 बजे तक गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 5 ट्रांजैक्शन करने होंगे। इनाम के लिए यूजर्स को गूगल टेज UPI ID का इस्तेमाल करते हुए P2P ट्रांजैक्शन, दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट कैश मोड का इस्तेमाल करते हुए मर्चेंट्स को भुगतान और मर्चेंट्स के बैंक अकाउंट में पेमेंट करना होगा। कंपनी दे रही है कुल 5 करोड़ रिवॉर्ड। गूगल पे ऑफर के मुताबिक कंपनी कुल 5 करोड़ रिवॉर्ड दे रही है। रिवॉर्ड की राशि 5 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए है। कंपनी का कहना है कि कुछ लकी विनर्स ही फुल अमाउंट जीत पाएंगे। रिवॉर्ड्स के अलावा गूगल पे ऐप ग्राहकों को इंस्टेंट लोन भी ऑफर कर रहा है। ऐप पर इंस्टेंट लोन देने के लिए कंपनी ने कई बैंकों के साथ गठजोड़ किया है। इस ऑफर के जरिए ग्राहक बड़ी आसानी से लोन ले सकेंगे। गूगल तेज की टीम अपने पेमेंट्स ऑप्शंस को ऐड करने के लिए बिग बाजार और दूसरे पॉपुलर ब्रांड के साथ काम कर रही है। गूगल ने दावा किया है कि इसके तेज ऐप के मंथली एक्टिव यूजर्स 2 करोड़ से ज्यादा हैं और अभी तक 75 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं। गूगल ने बताया है कि इस साल दिवाली तक यूजर्स भारत में 150,000 से ज्यादा रिटेल लोकेशंस में गूगल पे का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।